एंटीसेप्टिक पेस्टिसाइड्स को किल करती है okay. और ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, इसका यूज ये है कि ये कार्मिनेटिव है okay. और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बोन हेल्थ के लिए। लुक पेसो ओके, इट्स बेसिकली गुड फॉर आवर लिवर्स मोस्टली। ओके, फॉर आवर लिवर। वेलकम टू ए बी बिग शॉट। आज मैं मौजूद हूँ एग्रा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे कुछ फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। उन्होंने क्या क्या कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या बनाए, आपको दिखाती है बिग शॉट्स फ्रॉम एग्रा। अच्छा भाई, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए है, इन्होंने क्या बनाया, ये क्या है? वालेकुम सलाम। जो प्लांट आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सर जी रोजमेरी। अच्छा, इसके हमारे पास बेशुमार बेनिफिट्स है, जो इससे चीजें एक्सट्रैक्ट होती है उस वो यूज होती है okay. जैसे कि हमारे पास कुछ थेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जिनके नाम आपको नीचे दिख जाएंगे, वो है जो हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस में यूज होता है। जैसे कि हमारे पास डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन एजिंग को प्रिवेंट करता है, इसके अलावा मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है। बाकी इसकी ऑयल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके लीव से, वो okay. हमारे पास हेयर में मसाजिंग के लिए यूज होता है, वो हमारे पास हेयर ग्रोथ करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, पेन को भी रिड्यूस करता है और इसके अलावा हमारे मूड को भी बूस्ट करता है। ओके, तो ये इस चीज के लिए ये पौधा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोजमेरी। रोजमेरी। अच्छा, आपने क्या किया है इस इन पौधों से, क्या बनाया आपने? हम लोगों ने ये इंसेक्ट्स और अच्छा, ये आपने बनाया, ये दोनों क्या है? अच्छा, फेस मास्क। इसका क्या फायदा है? ये एंटीसेप्टिक पेस्टिसाइड्स को किल करती है okay. और ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, सूथ करती है स्किन को और सॉफ्टन करती है, मॉइस्चराइज करती है। ओके, ये आपने खुद बनाया है? जी। ओके, थैंक यू। इन भाई ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की है। प्लांट है, प्लांट है। अच्छा, ये पार्सली इसको कहते हैं okay. इसका अजमूद है। अच्छा, इसका यूज ये है कि ये कार्मिनेटिव है okay. और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, आपने इससे कुछ बनाया नहीं है? मतलब ये सीड्स है, इसकी मदद से हम मतलब इसका एक कावा होता है, टी होती है, चाय बनती है, टी ग्रीन टी की तरह होती है, जो एंटी कार्मिनेटिव होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा यूज होती है। ओके, इसकी सीड से ऑयल बनता है, ऑयल बनता है जो बोन हेल्थ के लिए मतलब मसाज के लिए बेहतर है। और इसका चाय किस चीज के लिए? और वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और एंटी कार्मिनेटिव होती है। ओके, उसके बाद इसके आई ड्रॉप्स बनते हैं ओके, जो आईज के लिए भी सही है। अच्छा, पौधे का नाम क्या है? पार्सली। पार्सली, उर्दू नेम इसका अजमूदा। अजमूदा। ये क्या फूल है? क्या? डेजी फूल। अच्छा, इसका यूज क्या है? ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। अच्छा, यानी सोजिश वगैरह के लिए और ये हीलिंग पॉइंट्स हीलिंग। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? इसके एक्सट्रैक्ट निकलेगा, एक्सट्रैक्ट यूज होता है इसका। इसके फ्लावर को हम पहले ड्राई करेंगे, फिर उससे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, फिर हम उसे पाउडर। अच्छा, मतलब पाउडर सा बनाएंगे। अच्छा, और भी लेजेंड्स है, उनसे भी पूछते हैं। भाई, आप लोगों ने क्या किया है? यस सर, ये हमारा प्लांट है कैमोमाइल, तो ये हमारा। अच्छा, ये प्लांट है? यस, दिस इज आवर प्लांट। ये इसका नाम है कैमोमाइल, ये हमारे पास मेडिसिनल यूजेस के लिए भी होता है और ऑर्नामेंटली भी होता है। जैसा ये हमारे पास ना, ये सर्दियों का पौधा है इसलिए आजकल वो बड़े जले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जब हम मरीवल साइड पे जाएं तो ये आपको पता ना, वहाँ पर ये लटकों के हेडमेंट्स बना के देते हैं, फिर तो ये ऑर्नामेंट्स के लिए हमारे पास काफी ज्यादा यूज होता है। बाकी अब ये देख सकते हैं कि हमने इसका ना कैवा बना के रखे इसके डिकॉर्ड। अच्छा, ये इसका कैवा हमारे पास स्ट्रेस रिलीवर के लिए काफी अच्छा यूज होता है। बाकी ये जो स्लीप साइकिल हमारी अच्छी करता है, इंसोम्निया करता है। बाकी अगर हम इसकी क्रीम्स वगैरह लें ना, तो वो हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है और ये स्किन एक्ने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। आपको कैसा लगा ये एग्जीबिशन? जबरदस्त है ना? बहुत जबरदस्त। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। आपका ये पौधा है, इसका नाम? इसका नाम है बेसिल, इसका बायोलॉजिकल नेम है बेसिलिका, ओसिबम बेसिलिका। ओके, इसको हम ऐसे टी बना के यूज कर सकते हैं। अच्छा, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे सोजिश वगैरह को कम करता है, हार्ट डिजीजेज में इसका okay. फायदेमंद है। ये एक आम फूल है वैसे सर, ये आम फूल है इसका, लेकिन आपके लिए काफी काम की चीज है। स्मेल, आप स्मेल करें ना इससे, okay. एंटी डिप्रेसिंग इफेक्ट आता है, आप अच्छा कर लें। हाँ, स्टाइल के पास हम आ गए, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन ये चेहरा नहीं दिखाएंगे, हमें बताएंगे। अच्छा, आपने क्या किया है? ये हमने ड्रिंक बनाई है, हमारा मेन प्लांट जो था वो दालचीनी था okay. तो हमने ये किया कि एक ड्रिंक ऐसी बनाई जिसमें हमने मिंट को यूज किया, स्प्राइट को यूज किया, लेमन ऑयल, लेमन को, और साथ में काला नमक जो होता है। अच्छा, उसके बाद दालचीनी की थोड़ी सी अमाउंट लिया ताकि उसका थोड़ा टेस्ट आ सके okay. तो उसका फायदा क्या है?
और इसका फायदा ये कि सबसे पहले तो एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है क्योंकि इसमें मिंट भी बेसिकली यूज हुआ है, तो उससे आपका रिफ्रेशिंग आता है, टेस्ट आता है। देन उसका कार्मिनेटिव भी है, फ्लेवरिंग एजेंट भी है कार्मिनेटिव इसका जो, और ये इसका ऑयल सिनेमन का। ओके, और ये हमने ऑयल भी बनाया है, वो उधर कहवा भी पड़ा है, ये आप देख, इसका कहवा आपने बनाया है। जी जी, अच्छा, ओके, बिल्कुल प्योर इसमें, और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ओके, ये डाबियां भी पड़ी हुई हैं, अब आप ये ट्राई करें। ओके, आप अच्छा भाई, मैं इसको इस मेडिसिन को पीने लगा हूं, मैं इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाऊंगा। किस चीज के लिए? रिफ्रेशिंग। अच्छा, मेरा जिगर जो है वो जबरदस्त हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाऊंगा। अच्छा, जबरदस्त। Have you done and what plants are these? So this is milk thistle. Sorry? Milk thistle. Milk thistle. Okay. It's basically good for our livers mostly. Okay. So for our liver. Yeah. It's basically like a liver detox. Okay. Okay. It has a liver detox. So what have you made up it? How should we use it? Right now it's available as tablets and okay. in powder form, and it's also available as a tea. Okay. So have you made anything of it? Tablet or something? No, we haven't made. We're just showcasing the plant today. So we're just speaking about the plant. ओके, ये आम फूल है आपके लिए, लेकिन ये फार्मेसी वालों ने इसका क्या बनाया आप देखते हैं, इनसे पूछते हैं। आम फूल है, इसका नाम क्या है? मेरी गोल्ड, जो हम मतलब खुशबू के लिए लगाते घरों में। अच्छा, खुशबू के लिए भी यूज होते हैं ना, वैसे हिंदू के जब लोग मर जाते हैं ना उनके भी चढ़ाते हैं। आप अपने लगाया जो ऐसे मजाक कर रहे थे। अच्छा, ये आपने क्या बनाया? ये ऑइंटमेंट है हमारे पास। अच्छा, ये मैरीगोल्ड से बना है। इससे क्या होता है? ये ऑइंटमेंट जो है ना, स्किन पे जो कट्स वगैरह लग जाते हैं ना। अच्छा, या बर्न्स वगैरह है या ड्राई स्किन एक्जिमा वगैरह। अच्छा, अच्छा। तो उसको हील करने के लिए, स्किन को हेल्दी के बनाने के लिए, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये okay. जूस है, और ये ड्रिंक भी है, इसका क्या? नहीं नहीं, अच्छा भाई ये देखे, मैं दोबारा पी रहा हूँ कुछ, ये इससे बनाए, इससे बनाए, और ये मैं पी रहा हूँ। ये किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? डाइजेशन, मेरे मैदा खराब है, वो ठीक हो जाएगा। मजा आ रहा है वैसे। थैंक यू, ये मैंने पी लिया, अब मेरा मैदा ठीक होगा। थैंक यू गाइस। इसको ये कैसे बनाया, ये ड्रिंक कैसे बनाया? कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो ये डायरेक्ट खा भी सकते हैं। अच्छा, मेरे रिश्तेदार अभी उसको कैंसर हुआ है। अच्छा, मतलब इससे इसका जूस बना, इसको पानी निकालते हैं, हमने जूस बनाया। तो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट जो एकरा के स्टूडेंट्स ने किए थे, एकरा के कुछ बिग शॉट।